मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर आ रही है, जहां कुछ दिन पहले थाना माधवगंज और थाना जनकगंज के प्रकरण को लेकर शनिवार को उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। यह धरना समस्त हिंदू समाज पदाधिकारी और हिंदू समाज के संगठनों द्वारा किया जा रहा था। दरअसल हिंदू संगठनों की मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो वह बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए SDM को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थाना क्षेत्र में मुहर्रम वाले दिन हो सकता है वो घूमे होंगे, लेकिन उनका वीडियो जो वायरल हुआ था वो पुलिस के बाद ही पता चला। पुलिस के अब भीड़ में अगर कोई घूम रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर पुलिस वाला उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हो, क्योंकि वो पुलिस के संज्ञान में जो वीडियो आया है वो बाद में आया कार्यक्रम के पश्चात। उस समय अगर तात्कालिक रूप से मौके पर अगर कोई आवेदन पुलिस को मिली होती तो निश्चित रूप से उनकी हस्ती होती। तो पुलिस करके आया है जो माधोगढ़ थाना उसके संबंध में उन्होंने तो आवेदन दिया होगा, वो आवेदन CSP लश्कर जाँच कर रहे होंगे, क्योंकि अभी वो कारण तो सर्वविदित है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम तो आपको साधुवाद देते हैं कि आपके माध्यम से हमारे जो हिंदू समाज में के विरोध में लगातार बेटियों के साथ में षड्यंत्र पूर्वक उनको बहलाना फुसलाना, नाम बदल करके आना, उनका धर्मांतरण कराना, और अगर वो लवजात के षड्यंत्र में नहीं शामिल उपाय उनको नहीं भगाए तो उनको छेड़छाड़ करना और उनके परिवार आते हैं उनको मारना पीटना और मरना सन स्थिति में छोड़ जाना, काट के बोरियों में फेंक देना, इस प्रकार का जो षड्यंत्र चल रहा है हिंदू समाज के खिलाफ, वो आक्रोशित हिंदू समाज उसके विरोध में आज महाराज बाड़े पे एकत्रित हुआ है। ये हिंदू समाज इसलिए एकत्रित हुआ है क्योंकि बेटियों के खिलाफ जो आरोपी हैं उनको संरक्षण देने वाले पुलिस कर्मियों की आज 6 महीने से हम बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, अभी तक पुलिस उन कर्मियों की बर्खास्तगी नहीं हो पाई है। ऐसा क्या दबाव है प्रशासन पर कि उनकी बर्खास्तगी नहीं गई है? ऐसा कौन सा उनका संपर्क संबंध है, ऐसे कौन से वरिष्ठ लोगों से संबंध है, ऐसी कौन सी ताकत है जो आज तक उनको बर्खास्त नहीं कर पाई? ये मांग उन आरोपियों के खिलाफ है। हमारी मांग है उन आरोपियों के खिलाफ जिन्होंने बेटियों के साथ छेड़छाड़ की, छोटी छोटी नाबालिग बेटियों का शारीरिक शोषण किया, उनके मकान तोड़े जाएं, इस विकृत मानसिकता के लोगों का इस सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये आंदोलन है जो बेटी है उनके परिवार को, उनको स्वयं को रक्षा प्रशासन द्वारा दी जाए, सुरक्षा दी जाए। आज बेटी अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं कर रही, परिवार को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। अभी तो 2-3 दिन की घटना है, खुलेआम बेटी गोली मार करके एक महिला की हत्या कर दी गई। एक बेटी ने अगर किसी की नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई। एक बेटी ने अगर छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसके पिता को मारा, उसके भाई को चाकू से हमला करा।